Hey, what's up guys, Anuj here, welcome to DSA-One course. And today's video, we are going to solve a question. A very interesting question, which is burn a binary tree starting from a leaf node. कि आप लोगों को एक लीफ नोड दे रखी है कोई सी भी और आप लोगों की वो लीफ नोड बर्न कर दी तो आपका पूरा का पूरा ट्री कितने मिनिमम टाइम में बर्न हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। और किस तरीके से बर्न हो रहा है कोई भी ट्री, मैं बताता हूँ कि जब भी कोई नोड किसी भी नोड से कनेक्टेड है तो वो अगले सेकंड में बर्न होती है, देन उससे कनेक्टेड नोड उसके अगले सेकंड में बर्न होती है। इस तरीके से पूरा का पूरा ट्री बर्न हो जाता है, ठीक है। और आप लोगों को जो शुरुआत वाली नोड है, स्टार्टिंग नोड है, वो हमेशा एक लीफ नोड होगी। इस क्वेश्चन के अंदर ये भी दिया हुआ है। तो सपोज करो ये वो नोड थी 2, विच इज द लीफ नोड, और ये वो पहली बार में बर्न की गई, तो पहले सेकंड में ये नोड बर्न होगी, ठीक है। अगले सेकंड में ये वाली नोड बर्न होगी क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। उसके अगले सेकंड में ये दो नोड्स बर्न हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं। तो थर्ड सेकंड में ये दोनों के दोनों बर्न होंगी, देन फोर्थ सेकंड में ये वाली नोड बर्न होगी और ये वाली नोड भी बर्न होगी। उसके बाद फिफ्थ सेकंड में ये वाली नोड बर्न होगी और पाँच सेकंड बाद पूरा पूरा ट्री बर्न हो जाएगा और आप लोगों को ये 5 रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर जरा देखें तो सपोज करो ये वाली लीफ नोड थी 1, तो पहले सेकंड में ये वाली लीफ नोड बर्न होगी, उसके अगले सेकंड में ये वाली नोड बर्न होगी, उसके अगले सेकंड में ये वाली और ये वाली नोड बर्न होंगी, देन ये वाली बर्न होंगी, देन ये दोनों दोनों बर्न हो जाएंगी। यहाँ भी 5 सेकंड्स में पूरा का पूरा ट्री स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यही बताना है कि कितने मिनिमम टाइम के अंदर पूरा का पूरा ट्री जो है वो बर्न हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम ए लीफ नोड, और वो लीफ नोड आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके अंदर काफी सारी अप्रोचेस आपके दिमाग में आ रही होंगी, जरा उनके बारे में सोचो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम समझने वाले इस क्वेश्चन को। तो जब इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि हमें कोई एक नोड दे रखे जिसको बर्न कर दिया, लेकिन हमारे पास उस नोड के पेरेंट का कोई पॉइंटर तो होता नहीं है बाइनरी ट्री के अंदर, तो हम ऊपर कैसे जाएंगे और फिर नीचे कैसे जाएंगे किसी भी नोड के लिए, ये समझ में नहीं आता कई बार, है ना। तो सही बात है, हमें भाई ऊपर तो जा नहीं सकते किसी भी नोड के लिए क्योंकि ये ट्री है, ग्राफ तो है नहीं। तो एक तरीका तो है कि आप इसे ग्राफ में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, लेकिन वो वाले तरीके की बात नहीं करने आज हम। आज हम बात करने वाले कि आप रूट से स्टार्ट करोगे और इस नोड को ढूंढने का ट्राई करोगे कि ये नोड कहाँ पर है। तो एक नॉर्मल ट्रैवर्सल लगाओ और इस नोड को ढूंढने का ट्राई करो, और जैसे आपको वो नोड मिल जाए ना तो उसके एंसेस्टर में जितने भी नोड्स आ रही हैं उनकी देख लो कि उस नोड से कितनी दूरी है, ठीक है। डेप्थ बना सकते हो आप, डेप्थ या फिर डिस्टेंस बना सकते हो, ठीक है। तो एक डिस्टेंस बनाते चलते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एक नॉर्मल ट्रैवर्सल लगाएंगे। नॉर्मल ट्रैवर्सल वही NLR, तो नोड क्या ये नोड है हमारी उसके बराबर, तो नहीं बराबर नहीं है, ठीक है। नीचे आते हैं, लेफ्ट गए, फिर लेफ्ट गए, फिर लेफ्ट गए, फिर लेफ्ट गए, फिर लेफ्ट गए, कुछ नहीं मिला, राइट गए, कुछ नहीं मिला, ऊपर गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये नॉर्मल ट्रैवर्सल था और हमें ये वाली नोड मिल गई। जैसे ये वाली नोड मिल जाती है वैसे हम बोलते हैं कि ठीक है इसके लिए डेप्थ हो गई 1, ठीक है, कि इस नोड के लिए एक डेप्थ हम बनाते चलेंगे हर नोड के लिए, कि इस नोड के लिए डेप्थ हो गई 1। फिर ये वापस से बैक ट्रैक करेगा तो ये अपनी डेप्थ को सेट कर देगा 2, कि मुझे मिल गया था इस साइड राइट साइड तो इसकी डेप्थ हो गई 2। फिर ये ऊपर जाएगा तो बोलेगा कि इसकी डेप्थ हो गई 3, और ये ऊपर जाएगा तो उसे बोलेगा इसकी डेप्थ हो गई 4, ठीक है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई 1, 2, 3, 4, ये इन सबकी डेप्थ है, डेप्थ या डिस्टेंस कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें हर एक डेप्थ के लिए फाइंड करना है कि इनसे दूसरी साइड में कोई अगर ट्री प्रेजेंट है, सब ट्री प्रेजेंट है, तो उसकी हाइट कितनी आ रही है, देन हम दोनों को ऐड कर देंगे और जो भी मैक्सिमम आंसर आएगा वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं समझते हैं कि सपोज करो ये वाली नोड थी, ठीक है, 4th, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि ये 4 डिस्टेंस पे है इससे, तो इसको बर्न होने में यहाँ तक पहुँचने में 4 सेकंड लगने वाले हैं, तो मुझे पता लगाना है कि टोटल ट्री अगर बर्न हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस नोड से बनने वाला राइट साइड में जो भी सब ट्री बन रहा है, यहाँ पर जो भी सब ट्री बन रहा होगा उससे हाइट क्या निकल के आ रही है। तो सपोज करो अगर ऐसा ट्री होता तो हाइट कितनी आती है, 1, 2, 3, तो यहाँ से हाइट आती है 3 मैक्स हाइट, ठीक है। तो इस साइड की हाइट आ रही है 3, यहां तक बर्न होने में लगेगा 4, तो आंसर आएगा 4+3 विच इज 7, इस तरीके से। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि यही हो सकता है इस साइड भी एक बाइनरी ट्री हो जो कि और लंबा हो, है ना, और लंबा हो ऐसा कुछ, तो यहां से भी कुछ आ रहा होगा, तो यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। तो इस वाले के लिए भी चेक करेंगे कि इस वाले नोड के लिए डेप्थ आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है 3, कि यहां तक पहुंचने में 3 लगने वाला है, उसके बाद यहां से कितनी हाइट आ रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां से आ रही है 6 हाइट, तो यहाँ से 6 हाइट आ रही है, प्लस यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड लगने वाला है, तो 3+6 विच इज़ 9। तो इस तरीके से आप अपने एक आंसर को अपडेट करते चलोगे, पहले आंसर 7 था, देन अब 9 हो गया। सिमिलरली इसके लिए भी वही करेंगे कि यहाँ से तो डेप्थ आ रही है 2, लेकिन इस साइड कितनी हाइट आ रही है, तो इस साइड से हाइट आ रही है हमारी 2, ठीक है। तो डेप्थ आ रही है 2 प्लस हाइट आ रही है 2, तो इसका मतलब यहाँ से हमें जो बर्न होगा वो होगा 4, 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 9, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, पहले हमने डेप्थ फाइंड की, उसके बाद डेप्थ फाइंड करने के बाद अगर कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी साइड जाके हम वहाँ पे हाइट भी फाइंड कर रहे हैं, और हाइट और डेप्थ के जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं उनसे हम पता लगा ले रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम आंसर है बर्न करने में कितना टाइम लग रहा है वो हमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जरा यहाँ पर ना कोड करने में दिक्कत होती है कि किस तरीके से इसे कोड किया है, एक ही फंक्शन बनाना है
कोई डेप्थ के लिए अलग फंक्शन नहीं बनाते, ठीक है। यहाँ पर हम डेप्थ फाइंड करने के लिए अलग फंक्शन नहीं बनाएंगे, हाइट फाइंड करने के लिए अलग फंक्शन नहीं बनाएंगे, एक ही हाइट फाइंड करने वाला फंक्शन बनाएंगे जो कि रिटर्न कर रहा होगा हाइट, और वही फंक्शन हमें डेप्थ भी दे देगा हर नोड के लिए, और उसके बाद उसी फंक्शन से हम डेप्थ और हाइट हर एक नोड के लिए निकालते चलेंगे और आंसर अपना फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जरा पहले समझते हैं डेप्थ और हाइट को एक बार ठीक से दोबारा से अगले एग्जांपल में, उसके बाद हम कोड को देख रहे होंगे। तो जरा इस वाले एग्जांपल के लिए दोबारा देखते हैं, हमारे पास यही वाली नोड गिवन है और जरा समझते हैं किस तरीके से काम करने वाला है हमारा कोड। तो हमें हर नोड के लिए देखना है कि लेफ्ट साइड में है एलिमेंट कि राइट साइड में है एलिमेंट, उसके बाद हमारे पास हाइट कितनी आ रही है दोनों साइड से, उसके बेसिस पे हम आंसर पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड से क्या हाइट आ रही है। तो ये लेफ्ट साइड के लिए कॉल करेगा, ये वाला रूट है, ये लेफ्ट साइड के लिए कॉल करेगा, तो इसके पास लेफ्ट साइड से हाइट आएगी टू, ठीक है, वन टू टू आएगी। सिमिलरली राइट साइड जाएगा, राइट साइड के लिए देखेगा क्या हाइट आ रही है, तो राइट साइड से भी हाइट आएगी इसके पास टू, ठीक है। इसके पास दो हाइट आ गई, लेफ्ट साइड से भी एक हाइट आ गई, राइट से भी आ गई, तो इसको पता है कि मैक्सिमम हाइट जो बनने वाली है इसके लिए वो टू ही बनने वाली है दोनों में से किसी भी साइड। ओके, अब जरा देखते हैं इसके पास अब आएगा कि डेप्थ कितनी है इसकी, ठीक है। अब जरा देखते हैं इस नोड के लिए डेप्थ कितनी आ रही है, कि जो एलिमेंट बर्न करना है उससे कितनी दूर है। तो उस एलिमेंट से वन टू थ्री, ये उस एलिमेंट से थ्री डिस्टेंस दूर है, तो डेप्थ है इसकी थ्री, हाइट है इसकी टू, मैक्स हाइट टू है। तो क्योंकि इसकी डेप्थ थ्री है और दूसरी साइड दूसरी डायरेक्शन में इसकी हाइट जो है वो टू है, डेप्थ इस डायरेक्शन में मिल रही है और इस डायरेक्शन में इसको हाइट मिल रही है टू, तो ये बोलेगा कि ठीक है थ्री प्लस टू विच इज़ फाइव, वही इसका आंसर है, ठीक है, फाइव सेकेंड ही इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आप बेसिकली देखो कि मुझे किस साइड से मेरा एलिमेंट मिल रहा है और उसके बाद दूसरी साइड से मुझे हाइट का मिल रही है, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, अब जब इसको कोड कर लेते हैं, इसको जब मैं कोड करूँगा तो आप लोगों को और सिंपल ये लगने वाला है, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन था बट कोड करने के बाद और सिंपल हो जाएगा इसी लॉजिक के ऊपर। तो ये रहा मेरा फंक्शन विच इज़ बर्न, इस फंक्शन का नाम है। इसको एक रूट नोड मिल रही है, उसके अलावा इसको एक टारगेट मिल रहा है कि इस टारगेट को से स्टार्ट करना है बर्न करना। उसके बाद मैंने एक डेप्थ डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, और ये डेप्थ जो है वो एक मैंने क्लास बनाई है खुद से, स्टैटिक क्लास है जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है int d, और ये d जो बेसिकली मैं चाहता तो यहाँ पर एक int d डाल सकता था, लेकिन मैं अगर उस d को डायरेक्टली ऐसे डाल दूंगा इंटीजर वैल्यू को तो प्रिमिटिव वैल्यू है, ये वैल्यू बार बार अपडेट होगी तो हर जगह इसको विजिबल नहीं होगा, ठीक है, हर एक इटरेशन में विजिबल नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे एक क्लास बनानी पड़ी। अगर आप C++ के अंदर हो तो आप एट द रेट करके डाल सकते हो, डायरेक्टली पास बाय रेफरेंस कर सकते हो, तो उसके बाद वो वैल्यू वहीं की अपडेट होगी। जावा के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप ऐसे क्लास बना सकते हो डायरेक्टली, और उस क्लास के अंदर हमने बेसिकली इसे रैपर क्लास बोलते हैं, उस क्लास के अंदर हमने इस इंट वैल्यू को रैप कर दिया है, एक कंस्ट्रक्टर भी बना दिया छोटा सा जो कि डायरेक्टली वैल्यू लेके उस वैल्यू से उस वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर सकता है। तो सबसे पहले जब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मेरा ये फंक्शन था जो मुझे पहले फंक्शन गिवन था विच वॉज मिन टाइम, और उसके अंदर मुझे दो वैल्यूज गिवन थी, रूट और टारगेट। तो मैंने क्या किया, एक अपना खुद का फंक्शन बनाया, तीसरा फंक्शन, जिसके अंदर मैं ये डेप्थ भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक नया फंक्शन बनाते हैं। उसके बाद मैंने एक डेप्थ बनाया, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया माइनस वन के साथ। तो बेसिकली रूट का मैंने बोल दिया कि रूट का फिलहाल डेप्थ माइनस वन है, ये रूट का जो डेप्थ है वो बाद में अपडेट होता रहेगा। उसके बाद मैंने इस फंक्शन कॉल कर दिया बर्न वाले फंक्शन को, और उसके बाद मैं ये आंसर रिटर्न कर दे रहा हूँ, ये आंसर वैल्यू अपने आप ही अपडेट होती रहेगी और फाइनली मुझे अपडेटेड आंसर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर स्टैटिक इंट आंसर बना रखा है जिसको मैंने माइनस वन से स्टार्ट किया हुआ है, इस आंसर की वैल्यू बार बार अपडेट होती रहेगी और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस फंक्शन को, जरा देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो अगर मेरी रूट ही नल है तब तो मैं रिटर्न कर दूंगा जीरो, ठीक है, कुछ बर्न ही नहीं करना। उसके बाद अगर मेरे रूट का डेटा ही मेरे टारगेट के बराबर है तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कि अगर मेरा रूट का डेटा ही टारगेट के बराबर है, मुझे वो वाली रूट मिल गई है, मुझे वो वाली नोड मिल गई है, तो मैं क्या करूँगा, डेप्थ डी इक्वल्स टू जीरो, कि इस वाली की डेप्थ जो जाएगी जीरो। अच्छा, इसकी डेप्थ जीरो नहीं, इसकी डेप्थ को हम करते हैं वन, ठीक है, कि इसकी डेप्थ हो जाएगी वन, उसके बाद रिटर्न कर दो वन, ठीक है। ये फंक्शन बेसिकली आपको हाइट रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये फंक्शन तो अपनी हाइट रिटर्न कर रहा है हमेशा, लेकिन हाइट के अलावा हमें डेप्थ भी चाहिए, तो डेप्थ के लिए मैं इस तरीके से पास बाय रेफरेंस या फिर एक खुद का रैपर क्लास बना के पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसने डेप्थ को कर दिया वन, क्योंकि करंट नोड के लिए डेप्थ होगी वन, और रिटर्न कर दिया वन कि इसके लिए हाइट यहाँ से स्टार्ट हो गई और वन हो गई हाइट। ओके, उसके बाद अगर ये नहीं हुआ, अगर मान लो कि ये जो रूट नोड है ये वाली नोड के ऊपर मेरा टारगेट नहीं है, या तो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है या राइट साइड प्रेजेंट है, तो उसके लिए मैं दो डेप्थ बना लेता हूँ अपनी खुद की, जिनको मैं इनिशियलाइज करता हूँ माइनस वन के साथ, और मैं बर्न वाले फंक्शन को लेफ्ट साइड के लिए भी कॉल कर दूंगा और राइट साइड के लिए भी कॉल कर दूंगा। लेफ्ट साइड के लिए कॉल करते टाइम मैं एल डी पास करूंगा इसके अंदर लेफ्ट डेप्थ, और राइट साइड के लिए कॉल करने के लिए मैं आर डी पास करूंगा राइट डेप्थ। मुझे दोनों साइड से हाइट मिलने वाली है, लेफ्ट साइड की हाइट भी मिल जाएगी, राइट साइड की हाइट भी मिल जाएगी, ठीक है। और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मुझे लेफ्ट साइड में एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, या राइट साइड में एलिमेंट प्रेजेंट था या नहीं था, ठीक है। कैसे पता चलेगा, कि एल डी और आर डी की वैल्यूज माइनस वन से अब अपडेट हो जाएंगी, ठीक है।
अगर LD की वैल्यू अब -1 से अपडेट होकर कुछ और हो चुकी है, अगर -1 नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में वो एलिमेंट प्रेजेंट था। अगर लेफ्ट साइड में मुझे एलिमेंट मिला तो मैं क्या करूंगा, आंसर को अपडेट कर दूंगा कि अब मेरा आंसर हो जाएगा मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर, या फिर लेफ्ट साइड से जो भी डिस्टेंस था, ठीक है, +1 की मैं करंट वाले एलिमेंट को भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, प्लस राइट साइड की हाइट। ठीक है, समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं, कि इस वाले के लिए देखते हैं, हमने लेफ्ट साइड के लिए कॉल किया और राइट साइड के लिए भी कॉल किया, LD और RD दो चीज़ें मैंने पास की थी, इसके लिए मैंने LD पास किया था, इसके लिए मैंने RD पास किया था। अब यहाँ पर तो RD की वैल्यू कुछ हो जाएगी, ठीक है, RD के अंदर यहाँ पर 2 होगा, तो RD के अंदर से मुझे मिलेगा 2, तो मैं क्या करूंगा कि मैं देखूँ, अच्छा मेरा राइट साइड से -1 नहीं मिला, तो इसका मतलब राइट साइड मेरा एलिमेंट प्रेजेंट था, तो वैल्यू क्या आती थी, RD से आ रही थी मेरी वैल्यू 2, प्लस मैं करूंगा 1 क्योंकि ये वाला एलिमेंट भी तो बर्न करना है, प्लस मैं करूंगा 1 और साथ में लेफ्ट साइड से जो भी हाइट आ रही थी उसको भी प्लस कर दूंगा, प्लस लेफ्ट साइड की हाइट, तो लेफ्ट साइड की हाइट कितनी थी, वो थी 2, तो यहां से आएगा 5 और मैं इससे अपनी आंसर की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ प्रीवियस आंसर, या फिर ये वाली वैल्यू जो भी बड़ा होगा वो आंसर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट साइड में मुझे मिल गया तब तो मैं लेफ्ट साइड की डेप्थ को लूंगा, +1 कर दूंगा करंट रूट के लिए, और राइट साइड की हाइट उसमें ऐड कर दूंगा, उसके बाद मैं अपनी डेप्थ को भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, कि ये वाली रूट की डेप्थ अब अपडेट हो चुकी है, कि मुझे इसके लेफ्ट साइड में मुझे एलिमेंट मिला था तो करंट रूट को भी अपडेट कर देता हूँ। अदरवाइज अगर लेफ्ट साइड नहीं मिला तो राइट साइड में मुझे मिलेगा। ठीक है, तो राइट साइड के अंदर अगर मुझे मिला एलिमेंट तो मैंने वही किया सेम जो मैंने यहाँ पे किया, मुझे राइट साइड में मुझे एलिमेंट मिला था तो मैंने क्या किया, आंसर को अपडेट कर दिया, राइट साइड से जो भी डेप्थ मिली +1 क्योंकि करंट एलिमेंट भी देखना है, साथ में लेफ्ट साइड से जो भी हाइट मिल रही है वो ऐड कर दिया और आंसर अपडेट कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी डेप्थ को, इस रूट की जो डेप्थ थी, इस रूट की जो डेप्थ थी जो शुरुआत में -1 हमने पास की थी, वो -1 ना रह के वो हो जाएगी 2+1 विच इज 3। ठीक है, तो इस रूट की डेप्थ हो जाएगी 3। उसके बाद हम फाइनली अपनी हाइट रिटर्न कर दे रहे हैं, क्योंकि इस फंक्शन का काम तो हाइट रिटर्न करना था। तो ये देखेगा कि लेफ्ट साइड से क्या हाइट आ रही है, तो लेफ्ट साइड से देखा 2 आ रही थी, राइट साइड से हाइट क्या आ रही है, 2 आ रही है, 2 और 2 में जो भी बड़ा होगा +1 करके ये 3 रिटर्न कर देगा। ठीक है, 3 विच इज हाइट, लेकिन हमें इस हाइट से लेना देना तो है नहीं, इस हाइट का काम तो सिर्फ हम यहाँ चला रहे थे LH और RH के अंदर, हाइट से हमें कुछ ऐसा लेना देना तो था नहीं, फाइनली हम इस आंसर से ही लेना देना। ठीक है, क्योंकि इस आंसर के अंदर ही हमारी फाइनल वैल्यू होगी। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये वाला कोड भी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के कोड होते हैं रिकर्सिवली बाइनरी ट्री के जब अंदर जब हम कोड कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके के कोड हो रहे होते हैं जब भी एडवांस क्वेश्चंस की बात कर रहे होते हैं। तो ये वाले कोड ही समझने थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें लगा रहे होते हैं, जिनके अंदर हम पास बाय रेफरेंस भी कर रहे होते हैं, जिनके अंदर हम इस तरीके से ऊपर भी कुछ काम कर रहे हैं, देन रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, देन हम बैक ट्रैक करते टाइम भी कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आप लोगों को दिखी होगी कि ये जो हाइट वाला फंक्शन है, सिर्फ हाइट वाले फंक्शन से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, कुछ और खतरनाक रिटर्न नहीं कर रहे, सिर्फ ये फंक्शन हाइट ही रिटर्न कर रहा है। तो ये हाइट वाला फंक्शन बहुत ही काम का होता है बाइनरी ट्री के अंदर, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जब आप डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री निकाल रहे होते तब भी सिर्फ आप हाइट वाले फंक्शन से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो। ठीक है, जब आप बैलेंस्ड बाइनरी ट्री निकाल रहे होते कि कोई बाइनरी ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है, तब भी सिर्फ हाइट वाले फंक्शन के अंदर ही मॉडिफिकेशन करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो। तो हाइट वाले फंक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइट क्या आ रही है और उसके साथ आप किस तरीके से आप ट्विकिंग कर सकते हो, वो समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा बाइनरी ट्री। इसके बाद हम मूव करेंगे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, उसके अंदर हम थोड़े और अच्छे कंसेप्ट को समझ रहे होंगे कि बाइनरी सर्च ट्री कैसे काम करता है। इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही था, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर देना सब्सक्राइब, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।